गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कविता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग निकल पड़े हैं साउथ बॉम्बे के लिए, वर्ल्डी के लिए। तो आज काफ़ी नॉलेजबल डेज रहेगा बच्चों के लिए। तो हम लोग निकले हैं सबसे पहले अपने घर से डोंबिवली स्टेशन। डोंबिवली स्टेशन लोकल ट्रेन हम लोग ने लिया बाइकल्ला स्टेशन तक के लिए। तो बाइकल्ला पे हम लोग उतरे, उसके बाद हम लोगों ने ये काली पीली टैक्सी ली। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जो इतिहास, कला और विज्ञान का अद्भुत संगम है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेहरू सेंटर मुंबई की। यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि ज्ञान और प्रेरणा का एक स्रोत है। तो चलिए जानते हैं नेहरू सेंटर के बारे में। नेहरू सेंटर की स्थापना 1972 में हुई और इसके भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों और दृष्टिकोणों को समर्पित किया गया। इस सेंटर का उद्देश्य देश को युवाओं को विज्ञान, कला और संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, स्टार्टिंग के मेन गेट पे इस प्रकार का ट्रांसपेरेंट बलून करके प्रोडक्ट देखने को मिला, जो कि काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था अपनी ओर। इस प्रकार से बच्चों को, बड़ों को, सबको अट्रैक्ट कर रहा था। इन्होंने दिखाया कि इसको छेद करने पे भी इसका एयर पास नहीं होता है और साथ में चिपक भी जाता है, और साथ में आप इसको और भी बड़ा फुला सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बट हम लोग अपने घर पे लेके आए, इस प्रोडक्ट को प्रॉपर वर्क नहीं किया, तो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके। नेहरू सेंटर में प्लैनेटेरियम है जो कि तारामंडल, आर्ट गैलरी, विज्ञान प्रदर्शनी मतलब साइंस एग्जीबिशन है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पे होते हैं, नाटक है, संगीत है, इन सबका वैसे टिकट लगता है। विज्ञान प्रदर्शनी का भी टिकट लगता है, आर्ट गैलरी का टिकट नहीं है, तारामंडल का भी टिकट है, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी। और इसके बाद यहाँ पे इतिहास की एक झलक दिखाई जाती है, जो कि स्टार्टिंग से मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ वो हम लोग देखने चल रहे हैं नेहरू सेंटर में। सेंटर में एक खास गैलरी है जो पंडित जी के जीवन मतलब पंडित नेहरू जी के जीवन और उनके आदर्शों को दर्शाती है। यहाँ उनकी पर्सनल डायरी, फोटो और ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं जो मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। और ये मंडे को बस क्लोज रहता है और ट्यूसडे से लेकर संडे तक पूरा ओपन रहता है। और इसकी टाइमिंग है 10 से लेकर 5 बजे तक। और यहाँ पे आर्ट गैलरी में और हिस्ट्री वाली गैलरी में फीस नहीं है, और तारामंडल में, प्लैनेटेरियम में और ये साइंस एग्जीबिशन में यहाँ पे फी लगती है। तो मैं आपको आज हिस्ट्री के गैलरी में एक लेके आई हूँ, तो मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। हम लोग जब इंटर किए तो सबसे पहले सिर्फ देखने को मिली और यहाँ पे जो है इस नेहरू सेंटर का मानचित्र भी देखने को मिला। और इसके बाद ये जो नेहरू सेंटर में स्थित डिस्कवरी ऑफ इंडिया गैलरी है, भारत के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। यह गैलरी पंडित नेहरू जी के प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित है और प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा को दर्शाती है। यहाँ मूर्तियाँ, चित्रों और मल्टीमीडिया प्रदर्शनों के माध्यम से भारत के विरासत को रोचक तरीके से दर्शाया गया है। यह गैलरी इतिहास प्रेमियों और विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एकदम पूरा पाषाण काल से दिखाया गया है यहाँ पे, और आधुनिक काल तक का पूरा दिखाया गया है, वो मैं आपको प्रॉपर दिखाती चलूँगी कैसे कैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है ये जो मूर्ति के माध्यम से। और यहाँ पे अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है तो यहाँ पे स्पीकर भी है, आप यहाँ पे अच्छे से सुन भी सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है।
और ये वैदिक युग का दिखाया गया, जैसे हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं जिस प्रकार का हिस्ट्री में जो भी पूरा पाषाण काल, उसके बाद वैदिक सभ्यता और भी जैन साहित्य, ये सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप वैसा ही जो एंशिएंट हिस्ट्री से मेडिवल हिस्ट्री तक का पार्ट होता है वो सारा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी नॉलेजबल है और सुनने के लिए भी है यहाँ पे। और यहाँ पे 3 लैंग्वेज का यहाँ पे लगा भी है, आप आराम से यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको लैंग्वेज सही लगे, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में है तो मराठी लैंग्वेज चलती है। तो ये 3 लैंग्वेज है जो आप चूज़ करके यहाँ पे पूरा डिटेल में इसकी जानकारी भी ले सकते हैं। यहाँ माता सीता की स्वयंवर की कथा का भी वर्णन किया गया है पूरा। और उसके बाद श्री कृष्ण का आप देख सकते हैं, श्री कृष्ण का जैसे अर्जुन को जो ज्ञान दे रहे हैं वो सारा चीज़ें इस पे दर्शाई गई है। और इस प्रकार से टीवी भी लगी थी यहाँ पे जिस प्रकार से दिखाया जा रहा था। और ये देखिए श्री रामचरित मानस का पूरा मानचित्र, मतलब चित्रों के माध्यम से पूरा दर्शाया गया है क्या क्या हुआ, मतलब पूरे हमारे रामचरितमानस में स्टेप बाय स्टेप, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगा।
प्रकार की वास्तुकला और आर्किटेक्चर था अलग अलग काल में, अलग अलग मुगलों के शासन में, अंग्रेजों के शासन में, बहुत सारे यहाँ पे प्रॉपर दिखाया गया है। हमारे देश में मुसलमानों का राज हुआ तो किस प्रकार की व्यवस्था थी और किस प्रकार का उनका घर बनता था, किस प्रकार के रहन सहन थे, किस प्रकार के सिक्के थे, किस प्रकार के आप देख सकते हैं डोर था, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है, इस प्रकार से दर्शाया गया है। इस प्रकार से देखिए औरतों को रहने का तरीका कैसा था, वेशभूषा कैसी थी, वो सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। और ये है बाजीराव मस्ताना का, यहाँ पे ड्रेस भी दिखाया गया है किस तरह का होता था उस टाइम पे पेशवा लोगों का। और यहाँ अब अंग्रेजों का शासन आया तो उसके बाद यहाँ पे उन लोगों के शासन में किस टाइप का घर बना, यहाँ पे उन लोगों का तरीका क्या था, और स्वतंत्रता आंदोलन, ये सारा चीज़ यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है। किस प्रकार से जेल होती थी अंग्रेजों के टाइम पे, और जो खिलाफत और असहयोग आंदोलन हुआ था वो उन सारा, मतलब जो भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ तो वो सारा स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया है यहाँ पे। और हम लोगों के पास थोड़ा समय की कमी थी तो हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम लोग आए ही यहाँ पे लेट में थे, 3 बजे आए थे। 3 बजे हम लोगों ने तारामंडल का टिकट लिया था और 4:30 बजे का शो था हम लोग का, तो हम लोग ने यहाँ पे 1.5 घंटे में जो कवर कर पाए वो दिखा पाए आपको। इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो नेहरू प्लेनेटेरियम के ऊपर होगा, इसको देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।